मानवता हमेशा जीवित रहे, भया कोरोना जीवित रहे। हमार बुद्धिस्ट बांग्लादेश से आसे इतने बहुत अत्याचार कर, बहुत मंदिर भंगा दिले, खाली बुद्धिस्ट नहय हिंदुओ जासुबी और विशेषके मंदिर चंदिर पूरा जल्द दिले। तारपासते अपना यू मंदिर मैं मानव पूरा जिंदा जिंदा जल्द दी। आम एस ए बुद्धिस्ट हिसाब से आम बहुत दुख लगे, यू दुख मैं प्रतिवाद गई किने हिंसा नो। आम इतना आम मैं शांति एट पीस एट मैं इहतक मैं दीब विचार अपना मैं मानवता हिसाब से आमक मरम करक और मैं जीखनी मेजरिटी माइनरिटी नहय एज ए मानवता हिसाब से सबके मरम करके मरम कर आम इहती मैं नतुन के अहा नहय ताते ओरिजिनली ताते थका है कि इहतके मैं इहतके जो मारि पीटि के खेदा दिए तो इहती कत जा मानव हिसाब से एट जगह ताते थकब दियो। ये आम मैं एपिल करने आम थ्रू मैं मेमोरेंडम आम डायरेक्ट तो प्राइम मिनिस्टर ओर जब ना थ्रू आम डिप्यूटी कमिश्नर कमिश्नर हिसाब से आम मेमोरेंडम दीम और फरेन मिनिस्टर बांग्लादेश हाई कमिश्नर इंडिया थका इहतक आम मेमोरेंडम दीम। मेमोरेंडम दी कि आम जो उद्देश्य लेटर दे लिखी से हेन्ड ओवर कर दीम। ये मैं आम मेसेज ये आम रिक्वेस्ट है जिकटा मैं भंगिले भंगिले सीकटा कम्पेन्सेशन दी लगे, जिकटा मंदिर भंगा दी तो बनाई दी लगे और जोकटा मैं मैं मरी से इहतक मैं कम से कम इहतर रिलेटिव के इहतक मैं 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 क्या गवर्नमेंट जॉब दियो, क्या एट फेसिलिटी दियो, ताके मैं इहती मैं भारके और जिंदगी भारके मैं चलो पारे आम ये मैं आम अपील करो। ये आप लोगों ने देखा है, पीस रैली हमने किया है और हम विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि संसार के कोई भी प्राणी हिंसा नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है, सभी लोग शांति चाहते हैं। और इस शांति चाहने वाले लोगों को हिंसा के रूप में बहुत ही अशांति जो मिल रहा है अब बांग्लादेश में जो किया जा रहा है, और सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं विश्व के किसी भी कोने में होगा ऐसा अत्याचार हो रहा है और ऐसा हिंसा हो रहा है। तो हम अपील करते हैं कि ऐसा ना हो और ना करें, क्योंकि देखिए दर्द सबको समान होता है। अगर किसी आज कोई जो हिंसा कर रहे हैं उनके फैमिली पर कोई और किसी ने हिंसा किया तो उनको भी उतना ही दर्द होगा। ये हम सब समान दर्दी हैं, सबको समान दर्द होता है। और कांटा चुभे तो सबको कांटों का चुभन सबको समान होता है। बात यह है कि कोई अब दांत बेचकर सह लेता है और कोई रोने लगता है। तो आज तक हम सहन करते आए थे, लेकिन सहन शक्ति का भी एक सहन शक्ति का इसलिए हम आवाज़ उठाएं। पहली बार लगता है मुझे, पहली बार होगा ऐसे हमने अहिंसा के जो पक्ष में हिंसा के विरुद्ध इस तरह के समदल निकाले हैं, ये पद यात्रा निकाले हैं। तो और आप सब मीडिया के दोस्तों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप ही हैं जो संसार में इस मैसेज को ले जाने वाले, पहुंचाने वाले, फैलाने वाले, इसलिए आप लोग हमारे साथ में सहभागी हुए। आप लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि संसार में शांति बने रहे, सारे अमन चैन से जी सकें, या किसी भी देश में हो, किसी भी संसार के सभी प्राणी सुखी हों। यह हमारा बौद्धों का हमेशा कामना रहता है, बौद्धों का ही नहीं हर संसार के सारे प्राणी, हर एक प्राणी सभ्य तथन के दंडस सभ्य संग जीवितंग पियाम, ये बुद्ध का वचन है। सारे प्राणी दंड से, केवल मनुष्य नहीं, सारे प्राणी संसार के जितने भी जो प्राणी है, सेंटिएंट बीइंग जो है क्या करता है, वो दंड से डरता है, कष्ट दुख से डरता है, दुख को वो चाहता नहीं है, सभी सुख को ही चाहते हैं। सुख कामना भूतानी, इसको पाली भाषा में बोला है सुख कामना भूतानी, सारे प्राणी सुख के कामना ही करते हैं। और सभ्य संग जीवितम प्रियम, सारे सभी प्राणी को अपना जीवन उतना ही प्रिय है जैसे हमको हमारे जीवन प्रिय है, दूसरों को भी उसका जीवन उतना ही प्रिय है। इसलिए हम स्पेशली ये बुद्धिस्ट लोग जो है ना, हिंसा के पक्षधर नहीं है, अहिंसा के पक्षधर हैं। और ये अहिंसा के मार्ग से उसको अवलंबन करते हुए, अहिंसा के मार्ग को अवलंबन करते हुए, उसी को फॉलो करते हुए आज भी हमने ये शांतिपूर्वक एक यात्रा निकाला है। तो जिकुनो खबरर भाबे जोगाजोग करक 7099017330 अथवा 7099017990 নম্বৰত।